चलिए अब रुक कर लेते हैं बिहार की खबर का। बिहार के जहानाबाद में नीतीश कुमार के हुक्मरानों की करतूत से मानवता शर्मसार हो गई, जहां पर एक लावारिस लाश को ठिकाने लगाने के लिए पुलिस और अस्पताल प्रबंधन एक दूसरे को पत्राचार कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते रहे और इसमें 12 दिन बीत गए और महिला की लाश में कीड़े पड़ गए। पूरा मामला मीडिया में जब सामने आया तब आनन फानन में शव का दाह संस्कार कर दिया गया। दरअसल पूरा मामला तकनीकी पेच को लेकर उलझा था। जानकारी के मुताबिक 12 अगस्त को सदर अस्पताल में एक अज्ञात महिला को बदहवास स्थिति में लाया गया था। 14 अगस्त को इलाज के दौरान उस महिला की मौत हो गई थी। मौत के बाद अस्पताल प्रशासन ने इसकी सूचना नगर थाने की पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद में सदर अस्पताल पुलिस पहुंची भी, लेकिन महिला की पहचान की तफ्तीश शुरू की। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने के बाद सामने आने पर इसे सामान्य घटना बताते हुए पुलिस ने शव को लेने से इनकार कर दिया। अब ऐसे में जब मृतक की पहचान ना हो, उसकी मृत्यु इलाज के दौरान किसी अस्पताल में हुई हो, तो शव का दाह संस्कार करने की जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधन की या फिर स्थानीय निकाय की है। बिहार पुलिस मैनुअल एक्ट में भी इसका स्पष्ट उल्लेख है। उधर अस्पताल प्रशासन 17 अगस्त को SDO और 23 अगस्त को DM को पत्र लिखकर शव का पोस्टमार्टम और दाह संस्कार के लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित करने का अनुरोध किया था, लेकिन 12 दिन लग गए उसके बावजूद कोई रास्ता ही नहीं निकला। कितना दिन तक बॉडी रहा है? बॉडी तो लगभग 10-12 दिन रहे। उसमें क्या हुआ था? जीरा वहाँ पर गया, देख रहा है ना पोस्टमार्टम के अंदर उनके कैसे हो रहा है। उसमें कीड़ा पड़ गया था, उल्लू लग गया है। यहाँ पर लाश रखा रहता है पोस्टमार्टम रूम में, एकदम लावारिस ऐसे बेकार में फालतू में रख रहा है। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई आइस नहीं है, कोई बर्फ नहीं है, ऐसी ला के रख देता है गर्मी में। बस कुमारी बंद कर दिया, रख दिया, कीड़ा लग रहा है, ये लग रहा है, कोई नहीं है। यहाँ पर हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, गंदगी नहीं है। तो जीते जी तो लोग सिस्टम के बीच में झूलते रहते हैं, लेकिन मौत के बाद में भी क्या हाल होता है ये आपने देखा।